चित्रकूट उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों ने कई दिग्गज नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल से पहले दोनों ही पार्टियों ने रैली निकाली जिसमें पूरी ताकत झोंक दी। दंतेवाड़ा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में भी जीतने का दावा करते हुए रैली निकाली। रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने सीएम भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद भाजपा ने भी रैली निकाली और बीजेपी प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप ने भी पूर्व सीएम रमन सिंह और अन्य नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। बीजेपी की सिरहार सर चौक के पास आम सभा भी हुई जिसमें रमन सिंह ने दंतेवाड़ा सीट कांग्रेस द्वारा छीने जाने पर दर्द बाहर आया और उन्होंने इसका टिकरा प्रशासन के सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा ने उपचुनाव में प्रशासन का नंगा नाक देखने को मिला, इस चुनाव में नहीं देखने देंगे। चित्रकूट उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है जबकि 24 अक्टूबर के लिए नतीजे आएंगे। बता दें कि बीजेपी ने हारे हुए प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष राजमन बेंजाम पर भरोसा जताया है, लेकिन देखने वाला वक्त यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और यह चित्रकूट उपचुनाव किसकी झोली पर जाता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल। मिलावट